नमस्कार दर्शकों, आज मैं राधिका नारोनी आप सबको वर्ल्ड के पहले वाइट टाइगर मोहन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। 27 मई 1951 को रीवा के राजा महाराजा मार्तन सिंह अपने शाही मेहमान जोधपुर के राजा अजीत सिंह के साथ शिकार पे निकले। के लिए वे सीधी के पनखोर गांव में गए। आने से जंगल में हलचल मच गई। तीन शेर के छोटे छोटे बच्चे भाग गए, मगर एक छोटा सा सफेद रंग का शेर का बच्चा वहीं पे खड़ा हो गया। कुछ समय बाद वो भी एक गुफा के अंदर चला गया। महाराजा मार्तन सिंह मारने के बजाय उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। बच्चे को पकड़कर उन्हें गोविंदगढ़ के किले में छोड़ दिया गया और उस बच्चे का नाम मोहन रख दिया गया। मार्तन सिंह उस मोहन को अपने बच्चे की तरह पालते थे और सभी लोग उसे राजा की तरह ही सम्मान देते थे। सालों बाद 1955 को मोहन की एक सामान्य बागिनी के साथ ब्रीडिंग कराई गई, जिसमें से एक भी शावक सफेद पैदा नहीं हुआ। अक्टूबर 1958 को मोहन के साथ रहने वाली एक बागिनी राधा ने चार शावक जन्मे। उनका नाम मोहिनी, सुकेशी और राजा और रानी रखा गया। मोहिनी को यूएसए भेज दिया गया। बाकी के तीन शावक राधा और मोहन गोविंदगढ़ के किले में ही रहते थे। उन तीन शावकों ने भी अपने सफेद रंग के बच्चे जन्मे। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद रीवा से सारे शावक गुजरात पलने के लिए और अपने वंश को बढ़ाने के लिए भेज दिए गए। नवंबर 2015 में रीवा में विंध्या नाम की एक शेरनी को मुकुंदपुर टाइगर सफारी में लाया गया। दोस्तों, ये थी वाइल्ड टाइगर मोहन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।